सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पर बहुत ही अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत विषय से छठवें पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सन्मित्रम कह, अर्थात अच्छा मित्र कौन है। कहा भी गया है कि अमित्र से कुतः सुखम, मित्र के बिना सुख कहाँ। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपना सुख दुख बांटने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। क्या आप भी अपने मित्रों पर निर्भर होते हैं? कभी कोई सुखद समाचार साझा करने के लिए या फिर किसी विकट समस्या को सुलझाने के लिए क्या करते हैं? मित्रों की आवश्यकता होती है ना आपको। तो आइए पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। आज की हमारी कथा इसी संदर्भ में है। एकस्मिन् उद्याने, एक उद्यान में, एकः काकः वृक्षे स्थित्वा, एक कौवा वृक्ष पर बैठकर काका करोति स्म, काका कर रहा था। एकस्मिन् उद्याने अर्थात एक उद्यान में एक कौवा वृक्ष पर बैठकर काका कर रहा था, अर्थात काँव काँव कर रहा था। अन्य खगाह अन्य पक्षी इतः ततः उड्डयन्ति स्म, इधर उधर उड़ रहे थे। तदैव एका चटका, उसी समय एक चिड़िया वाटिकायाम आगच्छति स्म, एक चिड़िया उस बागीचे में आई। उभौ चिरम संलपतः अर्थात वे दोनों बहुत समय तक आपस में बात करते रहे। मित्रे च भवतः स्म, और मित्र हो गए। शनै शनै धीरे धीरे तयो मैत्री वृद्धिम गच्छति स्म, धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ने लगी। एकदा चटका काकम अवदत, एक बार चिड़िया कौवे से बोली। मित्र काकः, मित्र कौवे, सुखदः वसंतः आगतः, सुख देने वाला वसंत आ रहा है। अहम गृहम निर्माणम कर्तुम इच्छामि, मैं घर बनाने की इच्छा करती हूँ। काकः अवदत, कौवा बोला, उत्तमः कल्पः, बहुत ही अच्छी कल्पना है। चिंतयामि अहम अपि एवमेव कुर्याम, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी ऐसा ही करूँ। उभौ स्व स्व आवासम रचयितुम कार्यम आरभेताम, अर्थात वे दोनों अपना अपना घर बनाने का कार्य आरंभ कर देते हैं। चटका स्वगृहम सिक्थेन रचयति स्म, चिड़िया अपने घर का निर्माण मोम से करती है। काकः च मृत्तिकयाः निर्माणम अकरोत, कौवा अपने घर का निर्माण मिट्टी से करता है। यदा निर्माण कार्यम समाप्तिम अगच्छत तौ अतीव प्रमुदितौ, जब निर्माण कार्य समाप्त हो जाता है तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आह मित्र काकः, हे मित्र कौवे, यत सुखम अधुना, आज कितने सुख का अनुभव हो रहा है। आम हाँ सखी चटके, सखी चिड़िया, इदानिम आनंद एव आनंद, इस समय आनंद ही आनंद है। एवं इस प्रकार कश्चित काल सुखेन व्यतीत, इस प्रकार कुछ समय सुख से बीतता है। ग्रीष्म आगच्छत, गर्मी का मौसम आ जाता है। सूर्यस्य किरणाः प्रखराः जाता, सूर्य की किरणें जब तेज हो जाती हैं। हन्तः तापातिशयेन सिक्थं द्रवीभूतम, अर्थात ताप की अधिकता से जो मोम का घर था वह द्रवीभूतम, वह पिघल जाता है। शनै शनै धीरे धीरे चटकायाः गृहं पूर्णतः विनिष्टम, चिड़िया का घर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हंतः, कितने दुख की बात है कि तापातिशयेन, ताप की अधिकता के कारण सिक्थम मोम से बना हुआ घर द्रवीभूतम पिघल जाता है। शनै शनै धीरे धीरे चटकायाः गृहं, चिड़िया का घर पूर्णतः विनिष्टम, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। गृहं नाशेन व्यथिता चटका, घर के नष्ट हो जाने पर परेशान चिड़िया ग्रीष्मकालस्य तीव्रेण आतपेन
अतीव व्याकुला अभवत, अर्थात घर के नष्ट हो जाने पर वह परेशान चिड़िया ग्रीष्म काल यानी गर्मी के मौसम के कारण तीव्रेण आतपेन तीव्र धूप से अतीव व्याकुला अभवत, अत्यंत व्याकुल हो जाती है। सा कुत्रापि छाया न अपश्यत, वह कहीं भी छाया नहीं देखती है। सायकाले शाम के समय बालकाः क्रीडितुम् आगच्छन्ति स्म, शाम के समय बच्चे खेलने के लिए वहाँ आते हैं। सा तान द्रष्टुम् वृक्षे तिष्ठति स्म, वह उनको देखकर वृक्ष पर बैठ जाती है। परम रात्रौ सा उद्विग्ना निद्रा न अलभत, परंतु रात में परेशान थी इसलिए उसे नींद नहीं आई। प्रभाते सा काकस्य गृहं गन्तुं मतिम अकरोत, अर्थात वह सुबह कौवे के घर जाएगी ऐसा सोचती है। वह सुबह कौवे के घर जाती है और कहती है, मित्र अपि कुशली भवान, हे मित्र क्या आप कुशल से हैं? आम, हाँ, सर्वं कुशलम, सब कुशल है। परम भवति किम निमित्तम म्लानमुखी, परंतु आप किस निमित्त इतनी म्लानमुखी अर्थात दुखी मुख वाली दिख रही हो? किम करोमि, चिड़िया कहती है, क्या करूं? मम गृहम, मेरा घर सूर्यस्य तापेन नष्टम, सूर्य की गर्मी से नष्ट हो गया। यदि भवान अनुमतिम दास्यति तर्हि कानिचित दिनानि अत्र स्थास्यामि, वह कहती है कौवे से कि यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहती हूँ। काकः तु अति गर्वितः आसीत, कौवा तो बहुत गर्वित होता है कि मैं बहुत महान हूँ और कोई मेरे पास आया है शरण मांगने। सह चटकायै निवासाय अनुमतिम न अयच्छत, और इसी गर्व में उसने क्या किया कि चिड़िया को रहने की अनुमति नहीं दी। निराशा चटका ग्रीष्मकालम अति कष्टेन यापयति स्म, निराशा चटका अर्थात निराश चिड़िया गर्मी के मौसम को अति कष्ट के साथ बिताती है। ततः फिर वर्षा कालः आगतः, फिर बरसात का समय आ जाता है। आकाशः मेघय आच्छन्नः अभवत, अर्थात आकाश में मेघ घिर जाते हैं। एकदा धारा सारह वृष्टि अभवत, एक बार बहुत तीव्र वर्षा होती है। काकस्य मृत्तिकया गृहं वर्षा जलेन, कौवे का मिट्टी से बना हुआ घर वर्षा के जल से गलितम पलितम च गल जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। दीनहीनः सह चटकाया स्मरणम अकरोत, दीनहीन होकर वह उस चिड़िया को याद करता है। अग्रिमे दिवसे अगले दिन चटकाम मिलितुम, चिड़िया से मिलने के लिए सह वह कौवा तस्याह निवासम अगच्छत, उसके घर पर जाता है। उदारशीला चटका तम दृष्ट्वा प्रसन्ना जाता, उदारशील चिड़िया उसे देखकर प्रसन्न हो जाती है। सा मधुर वचनेन अवदत, वह उससे मधुर वचन कहती है। स्वागतम ते मित्रम, स्वागत है तुम्हारा मित्र, सुस्वागतम तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आगच्छतु आओ, चिंता मा अस्तु चिंतित मत हो, अहम अतीव लज्जित अस्मि, वह कौवा कहता है मैं अत्यंत लज्जित हूँ। पूर्वम मया शोभनम न कृतम, पहले मैंने अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया। क्षम्यताम मे स्वार्थ परता, क्षमा कर दो मुझे, मैं स्वार्थी हो गया था। मा एवं नहीं नहीं ऐसा मत कहो। भवान मे मित्रम, आप मेरे मित्र हैं। मित्र धर्मम पालयामि अहम, मैं मित्रता का धर्म पालन करूंगी। सन मित्रम खलु भवति आपदकाले सहायताम करोति, अच्छा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय मित्र की सहायता करता है। अनुगृहीतो अहम बहु धन्यवादाः, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अभी आपने इस कहानी को पढ़ा और देखा कि दो मित्र कौवा और चिड़िया किस प्रकार का व्यवहार करते हैं।
एक दूसरे से अच्छा मित्र वो होता है जो विपत्ति के समय मित्र की सहायता करता है। कहा भी गया है, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मित्र। अर्थात विपत्ति के समय जो दूसरे मित्र की सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। अब आइए बच्चों ध्यातव्य अंश को पढ़ते हैं। आकारांत और आकारांत शब्द रूप में भेद, यथा वृक्षे वाटिकायाम, दोनों सप्तमी एकवचन है। दूसरा, लट लकार के क्रियापद के साथ स्म का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है, यथा करोति स्म अकरोत। तीसरा, विशेषण विशेष से समन्वय आवश्यक, यथा गर्वित काकह उदारशीला चटकाह। चौथा, वाक्य के आरंभ में अपि लगाने से वह प्रश्न बन जाता है, यथा अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल सकुशल हैं। पांचवा, मत के अर्थ में मा का प्रयोग, यथा चिंता मा अस्तु, चिंतित मत हो। अब इसके बाद बच्चों शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। सन्मित्रम अच्छा मित्र, कल्पह विचार, सिक्थेन मोम से, मृत्तिकया मिट्टी से, उड्डयंती इस्म उड़ रहे थे, कुर्याम मैं करूं मुझे करना चाहिए, समलप्तः दोनों बात करते हैं, स्थित्वा बैठकर, द्रष्टुम देखने के लिए, दृष्ट्वा देखकर, आगतः आया, म्लानमुखी उदास, तापातिशयेन बहुत गर्मी से, धारा सारह मूसलाधार, स्वार्थपरता स्वार्थीपन, आपदकाले कठिनाई के समय, अलभत पाया, स्थास्यामी रहूंगी या रहूंगा, यापयति इस्म बिताया, आगच्छतु आइए, क्रीडितुम खेलने के लिए, रचयितुम बनाने के लिए, मा एवं ऐसा मत बोलो, गर्वितः घमंडी शोभनम अच्छा। बच्चों अभी आपने शब्दार्थ का अध्ययन किया। शब्दार्थ से आपको 10 शब्द कठिन शब्द शीर्षक के अंतर्गत 3 बार लिखकर अभ्यास करना है और उन्हीं शब्दों का अर्थ भी लिखना है। और अभ्यास के लिखितम अंश से प्रश्न संख्या 1 और 2 अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।